2024 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों की होने जा रही है। मैं इतना ही कहूंगा उनसे कि वो ज्यादा ना बोलें, ना एक दो तीन के बाद गिनती अपने विधायकों की नहीं कर पाएंगे। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने, अंबर है नदी सुनहरी हरा समंदर है ये सजीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला जी हाँ। और इसीलिए पूरे देश के अलग अलग शहरों में हम घूम रहे हैं, पहुंच रहे हैं ताकि आप लोगों तक पहुंच सकें। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरती पुत्र आप देख रहे हैं और आज धरती पुत्र कानपुर से है। कानपुर में मोती झील के पास हम लोग यहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि कानपुर के लोग भी यहां आकर अपनी बात टीवी पर जो कहना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि कहते हैं कि भाई साहब टीवी पर जो बोलते हैं लोग वो उसमें हमारी भागीदारी हिस्सेदारी नहीं होती, तो हो सकती है हिस्सेदारी अगर आप कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे तो आप जो कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। और कानपुर को वैसे तो लेदर के लिए जाना जाता है, कानपुर को आप गुटखे के तौर पर भी जानते हैं क्योंकि गुटखा भी यहीं से पूरे देश में गया है, लेकिन विकास दुबे जो माफिया हुआ करता था उसका भी अंत हुआ, वो भी यहीं का था। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि चुनाव में जब पैसे की बात हुई तो सबसे ज्यादा पैसा भी कानपुर से ही निकला, तो कानपुर कई मायने में बहुत ऐतिहासिक है। और योगी जी की सरकार चल रही है, दो आतंकी गिरफ्तार हुए, देखिए रिजवान और सद्दाम, और इन दोनों से जो खुलासा हुआ है उसमें यह पता चला है कि इन्होंने कहा है कि भाई साहब हमने तैयारी की थी कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए यहां पर एक बड़ी फौज तैयार करेंगे आतंकियों की और पूरे देश में काम करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की वजह से हमारा ऑपरेशन फेल हो गया, दोनों आतंकी गिरफ्तार हो गए, एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है, रोज रोज खुलासे हो रहे हैं। लेकिन योगी मॉडल की बात होती है सिर्फ यहां नहीं होती है, कहां कहां होती है, तो विदेशों में भी योगी मॉडल की बात, फ्रांस में भी योगी मॉडल की बात होने लगी। तो क्या 2024 में बीजेपी को योगी मॉडल से जीत मिल जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी पर बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मिलवा देता हूं। अनूप अवस्थी जी हैं हमारे साथ बीजेपी के नेता, सर्वेश कुमार चेतन जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, सूफी मोहम्मद कौसर हसन माजिदी कादरी साहब हैं प्रेसिडेंट सूफी खानका एसोसिएशन के, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं मदन मोहन शुक्ला जी कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभिषेक गुप्ता जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से, और हाजी मोहम्मद सलील साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मेरा सवाल सबसे पहले ये है आपसे कि क्या योगी का मॉडल जो फ्रांस तक पहुंच गया है, पाकिस्तान, यहां वहां से तो योगी जी की बात चली रही थी, अब यूपी में और देश भर में 24 में ये काम आएगा, आप लोगों को नुकसान होगा? योगी का मॉडल अगर बहुत अच्छा होता तो उनका उप मुख्यमंत्री ने चुनाव हार जाता। योगी का मॉडल अगर बहुत अच्छा होता तो यहाँ पर दिन दहाड़े बुलडोजर से माँ बेटी की मौत ना हो जाती। योगी का मॉडल बहुत अच्छा होता तो दलितों को मिट्टी का तेल जला के दिन दहाड़े न जला दिया जाता, जिसमें पूरे देश में एक मैसेज गया कि यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको अपराधियों को बचाने का काम किया। लेकिन योगी मॉडल अच्छा नहीं था तो 2022 में योगी जी को इतना जबरदस्त विजय कैसे मिला? पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। योगी का मॉडल अच्छा होता तो यही के बृजभूषण शरण सिंह हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय पदक खिलाई पर उनके खिलाफ उनके यौन शोषण का आरोप, उनके बचाने का काम किया यही पर यहाँ का ग्रहण। तो कौन सा राहुल मॉडल चलेगा यहाँ पर? जो संविधान के साथ चलेगा, जो लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा, जिसका कानून का राज उसका साथ चलेगा, जो लोग देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ देश नहीं चलेगा। वोट जो है इस प्रकार से आप अगर केवल भावनाओं के आधार पर अगर देश को बांटना चाहते हैं,
ये देश बहुत अनूप जी है। क्या भावनाओं के आधार पर आप लोग देश को बांट रहे हैं और 2022-2019 उसी का नतीजा था और वैसी नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं 2024 में भी? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया और यही कारण है कि 2017 में जिन विकास के मुद्दों को लेकर और जिस क्रांतिकारी विचारों को लेकर हमारी सरकार बनी, उन सरकारों की दम पर उन जनता के आशीर्वाद से हमने 2022 में भी फतेह किया है। अभी मदन मोहन जी कह रहे थे योगी मॉडल, अरे योगी मॉडल तो साफ वो है कि जहाँ पर आतंक यहाँ आतंकी करने से डरता है, योगी मॉडल वो है कि अपराध यहाँ से अपराधियों की तरह भागता है, योगी मॉडल वो है कि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में योगी जी का डंका बज रहा है। और जब विश्व में योगी जी का डंका बज रहा है तो अभी आपने कहा कि फ्रांस भी, अभी वहां पर दंगा हुआ, फ्रांस के लोगों ने कहा कि यहाँ पर योगी जी को भेज दीजिए, और ऐसे में योगी मॉडल क्यों ना बताया जाए। और मैं बहुत विश्वास से कहता हूँ कि ये योगी मॉडल नहीं, ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का प्रदेश है जो लगातार अपने स्थान पर कायम रहे। ठीक है, लेकिन सर मुझे ये बताइए, जवाब दीजिएगा आप, लेकिन ये बताइए कि इसीलिए अखिलेश जी कल परेशान थे और उन्होंने कहा कि 1-2-3 विधायक गिनने के लायक नहीं रह जाएंगे योगी जी, अगर वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता या आपके अध्यक्ष, उनकी बात ना सुने तो? देखिए ऐसा है, हम कानपुर और पूरे प्रदेश की जनता से ये पूछना चाहते हैं, वो कोई मॉडल चाहते हैं कि विकास का मॉडल चाहते हैं? देश में, प्रदेश में राजनीति किन मुद्दों पे होनी चाहिए? किसी मॉडल पे, किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी पार्टी पे, कि विकास पे? हम विकास पे चर्चा करें, किसी मॉडल पे उनका क्या उद्देश्य है, उनकी क्या थीम है? योगी जी की जो आप बात कर रहे हैं उनकी थीम क्या है? उनका विकास माफिया मुक्त मॉडल, आतंकी मुक्त मॉडल, महिलाएं आराम से रात में घूम सकती हैं ये मॉडल, और यहाँ पर पत्थरबाजी जो हो रही थी वो बंद हो गया, दंगे हो रहे थे वो बंद हो गए, तो उसी मॉडल की बात होती है। आपको जानकारी है कि ये कब हो रहे थे? ये उनकी सरकार में हुए या नहीं हुए? इसका जवाब देने का काम माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बताएं, क्या इस कार्यकाल में उनके पत्थरबाजी बंद हुई कि नहीं? बाजी सुनिए, उन्हीं कार्यकाल में हुई। बुलडोजर मॉडल चला कि नहीं चला? देखिए बुलडोजर मॉडल, बुलडोजर पहले से भी चलता रहा है, लेकिन अब कुछ टारगेट पॉलिटिकल लोगों पे चलाने का काम किया जा रहा है। पहले तो अतीक अहमद पॉलिटिकल आदमी था, विकास दुबे पॉलिटिकल आदमी था। सुन लीजिए, जो आप पॉलिटिकल जो बुलडोजर मॉडल कह रहे हैं ना, बुलडोजर आज से पहले शहर में विकास के लिए और अतिक्रमणकारियों के लिए लगाया जाता, अब पॉलिटिकल लोगों के लिए यूज किया। क्यों नहीं मॉडल बनकर निकलकर सामने आ रहा था? क्यों लोग चर्चा नहीं कर रहे थे? क्यों पाकिस्तान में लोग नहीं कह रहे थे कि भैया योगी जी का बुलडोजर यहाँ भी भेज दो, यहाँ पर भी बुलडोजर चलाने की जरूरत है? आपने अतीक मॉडल की बात की, अतीक अपराधी, माफिया मॉडल की बात, माफिया मॉडल की बात की, माफिया अतीक थे इसमें कोई संदेह नहीं, उनका उनको एनकाउंटर हुआ उसको, उसके भी हम उसमें कोई प्रश्न नहीं लगाते हैं, कोई करते हैं, लेकिन एक माफिया को मारने के लिए, दो माफिया को पुलिस कस्टडी में तीन गुंडों ने मारा, जिन्होंने मारा तीन गुंडों ने, उनको खरोंच तक नहीं आई। अगर अगर माफिया के नाम पर दो माफिया मारते हो, तीन माफिया पैदा करते हो, और जात के नाम पर अगर अपराधी की पहचान होगी, इस देश में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा चलने वाला। जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं देखिए, जात की बात वो लोग करते हैं, जातिगत आधार पर अभी तक इस देश में राजनीति करते आए। मैं ये कहता हूँ माफिया माफिया है, आतंकी आतंकी है, और जो भी इस देश में और जो भी उस उत्तर प्रदेश में आतंक करेगा, माफियागिरी करेगा, और अतीक कौन था ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, विकास दुबे किस पार्टी से अटैच था ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त करने का काम अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने किया तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया, और यही कारण है कि टीवी से लेकर सड़क तक, अंबर से लेकर आसमान तक सब जगह देखिए योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, दंगे नहीं हो रहे हैं, आतंकी भाग रहे हैं। माइए कि बीजेपी को, कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को, अगर प्रदेश में किसी की सरकार है, कोई एजेंडा चला रहा है, कोई गलत बता रहा है, तो क्या उसकी पोल नहीं खुलनी चाहिए? आप जैसे नेता क्या नहीं बताएंगे देश को? आपने बिल्कुल ठीक कहा, पोल खुलनी चाहिए और पोल खोलने के लिए ही खड़े हैं जी। उनके कामों का प्रचार जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। दिन दहाड़े लखनऊ की कचहरी में गोली मारी जाती है, दिन दहाड़े जज के सामने, दिन दहाड़े इलाहाबाद में गवाह की हत्या होती है, पुलिस के उसके शैडो की हत्या होती है, वकील की हत्या होती है, दिन दहाड़े इन्हीं योगी के शासनकाल में, दिन दहाड़े ये जो कांड हो रहे हैं, ये कोई मोदी कांड, और कह रहे अपराधी थर थर कांप रहे, कहां से कांप रहे? तो क्या अपराधी थर थर नहीं कांप रहे हैं?
और क्या अपराधी प्रदेश छोड़कर नहीं भाग रहे हैं, और इसका फायदा योगी जी को या बीजेपी को 2022 में भी नहीं हुआ, 19 में भी नहीं हुआ और 24 में भी नहीं होगा। बिल्कुल फायदा होगा इसका, 2024 में ही होगा फायदा इसका। और रही मॉडल की बात, योगी मॉडल बार बार करा जा रहा है, अरे ये भारतीय जनता पार्टी है भैया, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, लोगों के पास लीडर ही नहीं है किसी के पास। अगर एनलाइट इतना बढ़िया बोल रहे हैं आप, कह रहे हैं लीडर ही नहीं है, बताइए कांग्रेस के नेता हैं, बढ़िया बोल रहे हैं। बिल्कुल योगी मॉडल की बात कर रहे हैं। अभी तक जहां तक हम देख पाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक बड़ा मॉडल हेमंत विश्व शर्मा, जो कि असम में देखिए चमत्कार करे हुए हैं, ठीक है, दूसरा एक बड़ा पुष्कर सिंह धामी, तो इतने बड़े बड़े मॉडल स्थापित कर रहे हैं, खामखाई योगी मॉडल की चर्चा हो रही है और भाई साहब को हमारे नाराज करा जा रहा है। नाराज हो रहे हैं आप, भी नाराज हो रहे हैं और आप भी नाराज हो रहे हैं। नाराजगी किस बात की, नाराजगी किस बात की? आपने पूछा योगी मॉडल, हमने कहा विकास मॉडल, इसमें नाराजगी। अखिलेश जी ने कहा कि 1, 2, 3 गिनते रह जाएंगे। देखिए ऐसा है, जैसे कभी कभी फायदा नुकसान, भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी तब वो 2 सीटों से स्टार्ट हुई थी, सपा की सरकार रही, पूर्ण बहुमत की रही, विपक्ष में आए, 50 सीटों पर दोबारा वो 150 सीटों पे आज खड़े हो गए। सरकार ने, जनता ने उनके ऊपर अपना विश्वास हासिल किया, कुछ चीजें कमी रह गई उनमें सुधार करेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक मॉडल, मॉडल केवल विकास का होना चाहिए किसी तो मैं का? तो कह रहा हूँ अखिलेश जी का मॉडल चले देश में, चलेगा क्या? देखिए अखिलेश जी का मॉडल, अखिलेश जी के किसी मॉडल पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सुन लीजिए, चर्चा जब हो रही थी, जब आप जैसे पत्रकार बंधु उन विषयों पे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सुनिए, सारी गलतियां पत्रकारों की है, ये दिखा दे तो दिक्कत, नहीं दिखाए तो दिक्कत, मुझे बताइए। चलिए मैंने कोई पत्रकार नहीं, अगर एक मॉडल बता दीजिए अखिलेश जी का, अखिलेश जी का एक मॉडल बताइए, उत्तर अखिलेश जी का एक, अखिलेश जी का एक मॉडल बताइए, अखिलेश जी का एक मॉडल उत्तर प्रदेश का। मैं कह रहा हूँ सर, किसने बनाया, क्यों चर्चा नहीं हुई, क्यों हार गए 2022 में, क्यों हार गए, सुन लीजिए, क्यों हार गए 2017 में, सुन लीजिए, हम लोग सर समाज को लेकर चलते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, इसीलिए 2017 और 22 में हार जाते। सुन लीजिए ऐसा है, आप फूट डालो हुकूमत करोगी, राजनीति पे काम कर रहे हैं, हम लोग सर समाज को लेकर चल रहे हैं, विकास मॉडल पे चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे अखिलेश सरकार में बुना, ये कानपुर में जो मेट्रो चल रही है इसका उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया, ये वाटर पार्क बना हुआ है, ये बोट क्लब, ये माननीय अखिलेश यादव की गवर्नमेंट हुआ, ऐसे कितने प्रोजेक्ट है कानपुर में, जरा एक प्रोजेक्ट बताइए जो आपके द्वारा आपके कार्यकाल में किया गया। ये मोनू जी, ये ना विकास मॉडल बता पाएंगे ना अखिलेश मॉडल बता पाएंगे, अगर इनसे आप ये सवाल कहते कि परिवार का मॉडल क्या है तो ये जरूर बता देते, और परिवार का मॉडल ये है, परिवार का मॉडल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक, अखिलेश यादव से लेकर धर्मेंद्र यादव तक, धर्मेंद्र यादव से लेकर डिंपल तक, और डिंपल से लेकर प्रतीक तक, इस तरह परिवारवादी पार्टी जो समाजवादी पार्टी का मुखड़ा ओढ़कर विकास की बात करती है, यह उसके मुंह से अच्छी नहीं लगती। और जिस तरीके से परिवार होगा वही परिवार चलाएगा, रही बात हमारे भाई साहब परिवार की बात करें तो हर व्यक्ति अपना पहला होता क्या है, हम आप जिस क्षेत्र के निवासी होंगे, सुनिए जिस क्षेत्र के निवासी होंगे, पहले अगर विकास की बात करेंगे तो पहले आप अपना मोहल्ला साफ करेंगे, फिर उसके बाद मोहल्ले की बात तय करेंगे, हर व्यक्ति स्टार्ट अपने मोहल्ले से करता है, पता चले मैं अपना घर सही कर नहीं पा रहा हूँ मैं दूसरे घर सही करने जा रहा हूँ। मुलायम जी के बाद अखिलेश जी, अखिलेश जी के बाद कोई और, उनके बाद कोई और, ऐसा चलता रहेगा या आप भी, आपको भी लगता है कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ समाजवादी पार्टी में? मौका सबको मिला है, ये रही बात बीजेपी के पास सिर्फ कुछ, समाजवादी पार्टी से कौन कौन मुख्यमंत्री बनाया प्रदेश का बता दीजिए, अब हमारी नॉलेज दुनिया से। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे नॉलेज खत्म हो जाती है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि योगी मॉडल, अखिलेश जी मॉडल या कोई और मॉडल आप लोगों को चाहिए? नरेंद्र मोदी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी, वो तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, बाकी सब चले, इंशाल्लाह उन्हीं की सरकार बनेगी, बाकी में नहीं बता रहे। ऐसा है माननीय योगी जी, इतने दिन तपस्या करके जितना अंतरंग में जितना शुद्ध कार्य कर सकते हैं, कोई माई का लाला पैदा नहीं हुआ है अभी तक, और जितना करके वो दे के जाएंगे, ये बात ध्यान रखिए, अगला प्रधानमंत्री यही बनेंगे, और तब पाकिस्तान का कोई आदमी इस तरफ इंडिया की तरफ आंख नहीं फैला सकता, मोड़ नहीं सकता, और जिंदगी के लिए वो तबाही मांग। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, इधर भी एक दो लोग खड़े हैं। हाँ जी, क्या नाम है? तुषार शुक्ला। हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इस सरकार में सबसे ज्यादा संतुष्ट है युवा। हाँ। क्योंकि ज्यादा जो दंगा हो रहा, अरे तो योगी जी के नाम लेने भर से इतने वो परेशान हो गए, झगड़ा कर लिया हमसे।
नहीं, योगी जी की सरकार सबसे ज्यादा कांप रहा है माफिया, क्योंकि अगर आज माफिया अगर डरे छुपे बैठे हैं तो खाली योगी आते ना सरकार चाहिए तो मैं यही चाहिए, वरना ना सपा चाहिए ना कांग्रेस चाहिए हमें। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि परिवारवाद, वो लोग दूसरी सत्ता के लोग परिवारवाद देखते हैं, लेकिन हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और उसी के राह पे वो काम कर रहे हैं। अब देखिए मौलवी साहब, ये देखिए, अब इनको भी बोलिए, आप इनको भी बोलिए। हाँ मेरी बात सुनिए, इनको बोलिए, फिर आप पार्टी बन रहे हो। मैं कह रहा हूँ, अरे हम पार्टी नहीं, सवाल करने वाले हैं। आप लोगों को लगता है कि सवाल कर दिया तो पार्टी हो गई। बात सुनो, जिन पर परिवारवाद का इल्जाम लगाते चले आए हो, अपनी पत्नी को छोड़कर, अरे सुनिए मेरी बात, जिसने देश को परिवार मान लिया हो, अरे तो परिवार आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आपके बाद आपका बेटा ही सल्तनत चलाए? ये जमहूरियत होती है, ये लोकतंत्र होता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड सर आ रहा हूँ। क्या परिवार एक बाप के बाद दूसरा बेटा, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटा देश चलाए तो लोकतंत्र जमहूरियत वही है क्या? बिल्कुल ऐसे में जमहूरियत कहाँ है? बार बार निकाल के दूंगा, कितने लोग परिवारवाद के मेंबर बने बैठे हुए। कौन है का होम मिनिस्टर का बेटा, क्या बना दिया उसको? क्रिकेट का बॉल तक का वजन नहीं मालूम मुझे, हैं? उठा के बना के बैठा दिया। बताइए भाई साहब, देखिए ऐसा है कि परिवारवाद इन लोगों से मत पूछिए, क्योंकि इनका परिवार इनका वही परिवार है, इनका वही परिवार है। राष्ट्र विरोधी तत्व ये इनके परिवार है, और जब राष्ट्र विरोधी तत्व इनके परिवार होंगे तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का नाम आएगा। परिवार उसको कहते हैं जो पूरे देश को अपना परिवार माने। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि 135 करोड़ देश की जनता हमारी है, हमने जो योजनाएं चलाई वो सबका साथ, सबका विकास और सबका करते हुए चलाई, अब सबका प्रयास। मैंने कोई भी ऐसी योजना नहीं चलाई, ये हमारे बेग साहब सबका साथ। एक सेकंड, इन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात की है, मुझे ये बताइए सच में सबका साथ सबका विकास हो रहा है और मुस्लिम क्या कटा कटा हुआ है कि नहीं है? देखिए ऐसा है ना कि अभी जितनी भी योजनाएं हैं, अगर आप तथ्यों को देखेंगे तो कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसमें कोई विभेद किया गया हो। सरकार की तरफ से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको समान रूप से सारी योजनाओं को लाभ दिया गया। वो कह रहे कि भेद किया है। देखिए किसी पर आरोप लगाना ये अलग बात है, सियासत करना एक अलग बात है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप जो थी उसको खत्म किया गया है, उर्दू यूनिवर्सिटी को जो है। माइनॉरिटी की डेफिनेशन क्या है? माइनॉरिटी कितने दिन बनाए रहना चाहते हैं? आप 3% ब्राह्मण पूरे देश की सियासत पे राज करो, दलितों को आज तक उनके अधिकार नहीं दिए। 3% है, अरे मौलाना साहब जगह पे आइए, 3% है तो तब भी माइनॉरिटी में है, 25% वाले माइनॉरिटी में कैसे हो गए भाई साहब? 3% वाले तो तभी। मेरे जीवन में दो झा है, एक IIT में हमारे बड़े मित्र थे जो पढ़ाते थे, झावन थे, और दूसरे हम है, दूसरे हम है जो जिस पर आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते आपका। देखिए ऐसा है, आज मैं आपके माध्यम से जो भ्रम फैल जाता है उस भ्रम को साफ कर देना चाहता हूँ। ये देश वो है जिसने जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाया, फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति बनाया, APJ अब्दुल कलाम को अपने सर का ताज बनाया। देखिए भाग रहे हैं आप, अरे भाग गए, अरे मैदान जंग से भाग गए आप। ये देखिए नाम गिनवा रहे हैं वो, अरे मुसलमानों के नाम गिनवा रहे हैं। राष्ट्रीय मंच ये है, इनको कहना चाहिए। आप कौन से मंच के आज हम PFI के साथ आपके संबंध रहे कानपुर के कई? ऐसे नहीं पर्सनल नहीं सर। आप 2024 में वार्ता करने के लिए बुलाए? नहीं, पर्सनल बिल्कुल नहीं होना। 2024 के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे जनता से अपने मैनिफेस्टो में कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, क्या वो दिया गया? किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, क्या किया गया? यहाँ पर जो भी था कि हम गैस सिलेंडर 400 रुपए होता था, स्मृति ईरानी उसका धरना देती कि कम होना चाहिए, 1100 रुपए गैस सिलेंडर हो गया उसकी कीमत। आपको लग रहा है कि इन मुद्दों पर आप लोग 2024 का चुनाव जीत जाएंगे? इसी मुद्दे पर होगी महंगाई। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना कि आतंकवाद खत्म हो गया, आतंक अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की सेना है, उनके पास पुलिस है, अब कश्मीर में क्यों मारे जा रहे हैं जवान, क्यों सैनिक मारे? ठीक है, जवाब लेता हूँ। रोजगार की डिफिनेशन हमारे शुक्ला जी को नहीं पता, रोजगार की डिफिनेशन ये है
कि जो पूरे भारतवर्ष में विकास की गंगा बह रही है, जगह जगह पर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर वहाँ पर विकास की गंगा बह रही, और जहाँ पर विकास होगा रोजगार अपने आप आएगा, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, जितनी युवाओं के लिए योजनाएं चलाई मोदी जी की सरकार ने और चाहे योगी जी की सरकार ने। एक मिनट, अब आखिरी कमेंट इधर से जनता की तरफ से मैं ले रहा हूँ, वक्त खत्म हो रहा है जल्दी से। देखिए माफिया जो है, माफिया किसे कहते हैं? जो अपने ऊपर से अपराध केस हटवा ले या जो अपराध करे, पहले तो ये क्लियर कीजिए, क्योंकि माफिया बहुत बार कह रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वक्त इतना ही है, कानपुर से आज धरती पुत्र में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, हमारे बीच आए मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आंखें कम से कम खुली, आप लाइन में आए, खड़े हुए, व्यवस्थित तरीके से रहना आपने सीख लिया है, डिबेट करना सीख लिया। आप देखते रहे टाइम्स ऑन भारत।